जीएचएमसी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों ने सारी व्यवस्थाएं और इंतजाम कर दिए हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए चुनाव की सारी प्रक्रिया कोविड-19 की सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। अपने वोट का उपयोग करने के लिए मतदाता को मास्क पहनना जरूरी होगा। इस बार चुनाव बैलेट पेपर द्वारा हो रहा है, इसके लिए चुनाव अधिकारी आपका मार्गदर्शन करेंगे। पोलिंग बूथ पर प्रवेश करने पर पहला पोलिंग अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम देखकर मार्क करेगा। दूसरा अधिकारी आपके बाएं हाथ की उंगली पर ना मिटने वाली स्याही का निशान लगा देगा। तीसरा अधिकारी आपको बैलेट पेपर देगा। बैलेट पेपर के काउंटर फॉइल पर आपको हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाना होगा। बैलेट पेपर के साथ आपको स्याही लगी रबर स्टैंप दी जाएगी। वोटर अपनी पसंद के कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह पर रबर स्टैंप लगा के उस बैलेट पेपर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग अधिकारी के सामने रखी मतपेटी में डालना होगा। इस तरह तीन स्टेजों में आसानी से मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब देरी किस बात की, चुनाव के दिन अपने मत का प्रयोग करके अपना कर्तव्य निभाइए।